राधा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। कृष्ण को राधा के जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप सबको भी, मुझको भी। आज इसी तरह से आपको कृष्ण और राधा की शुभकामनाएं सभी को देनी है। इसे कृष्ण बेहद प्रसन्न होते हैं। आज से 16 लक्ष्मी जी के धागों की पूजा शुरू होती है। इस विषय में मैंने आपको नहीं बताया, उसका रीज़न यह है, ये व्रत 16 साल रखा जाता है। इस व्रत के बहुत कड़े नियम हैं, हर कोई इसे नहीं कर सकता, और अगर इसे आपने एक बार शुरू कर दिया और बीच में आप इसे छोड़ नहीं सकते, और इसमें बहुत भूल चूक और गलतियों की सज़ा भी मिल सकती है आपको। इसलिए बस इतना शॉर्टकट में समझिए कि पितृपक्ष की जो अष्टमी आएगी उसमें 16 गांठ मारकर 16 धागे हम हाथ में बांधेंगे, उसके विषय में मैं आपको तब बताऊँगी। अभी ऑलमोस्ट 15 दिन हैं। सो अभी हमें क्या करना है, आपको आज से अगले 16 दिन तक रोज़ लक्ष्मी जी के सामने जो घर में दिया जलाते हैं उसके सिवा एक एक्स्ट्रा दिया जलाना है। और लक्ष्मी जी के इन 16 दिन के बड़े ही पवित्र पूजाएं होती हैं। 16 दिन की आप पूजा कर सकते हैं, पुष्प अर्पण कर सकते हैं। 16 दिन तक आप माँ को अलग अलग तरह का भोग लगा सकते हैं। आप 16 दिन तक लक्ष्मी सहस्र नाम का पाठ कर सकते हैं। आप कनकधारा स्रोत्र का पाठ कर सकते हैं। कर पूजा, ये बड़ी गुप्त पूजाएं होती हैं। इसका मतलब कुछ होते हैं लोग, मैं ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ, मैं देखिए बोलने से पहले ही मैं आ जाता है, तो फिर आपको उन पूजाओं का फल नहीं मिलता। इसीलिए कहते हैं कि गुप्त पूजाएं ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर ज़्यादा बतानी भी नहीं चाहिए। तो बहुत ज़्यादा कुछ मत करिए, बस लक्ष्मी जी के सामने एक गाय के घी का दिया रोज़ जलाइए, और ये शाम को होना चाहिए, सुबह नहीं, शाम के टाइम पर करिएगा। राधाष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राधा और कृष्ण कहाँ रहते हैं, या तो यमुना के किनारे पर या गौशाला।